मेरे साथियों, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम पूछने वाले हैं बहुत ही मजेदार सवाल है जिसका उत्तर आपको शायद ही मालूम है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? ए अमेजन बेसिन, बी कांगो बेसिन, सी दक्षिण पूर्वी एशिया, डी मध्य अमेरिका। आपका सही जवाब है सी दक्षिण पूर्वी एशिया। आपका अगला सवाल है, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए? ए कम वर्षा वाला, बी सिंचित, सी अनसिंचित, डी अधिक वर्षा वाला। आपका सही जवाब है बी सिंचित। आपका अगला सवाल है, बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती वेट फार्मिंग के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? ए 50 से 100 सेमी डंडा, बी 100 से 200 सेमी डंडा, सी 200 सेमी से अधिक, डी 50 सेमी से कम। आपका सही जवाब है सी 200 सेमी से अधिक। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? ए भारत में, बी इंडोनेशिया में, सी जापान में, डी चीन में। आपका सही जवाब है सी जापान में। आपका अगला सवाल है, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? ए विस्तृत कृषि, बी स्थानबद्ध कृषि, सी बागानी कृषि, डी गहन कृषि। आपका सही जवाब है बी स्थानबद्ध कृषि। आपका अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा जहां जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है में किस प्रकार की कृषि की जाती है? ए विस्तृत कृषि, बी गहन जीविका कृषि, सी गहन कृषि, डी मिश्रित कृषि। आपका सही जवाब है बी गहन जीविका कृषि। आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक तूफान कौन से देश में आता है? ए जापान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी वियतनाम। आपका सही जवाब है बी चीन। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस संगठन ने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने की घोषणा की थी? ए यूनेस्को, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी नाटो, डी संयुक्त राष्ट्र संघ। आपका सही जवाब है डी संयुक्त राष्ट्र संघ। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी थी? ए 1973, बी 1976, सी 1974, डी 1972। आपका सही जवाब है डी 1972। आपका अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। आपका सही जवाब है सी महाराष्ट्र। अगर आप लोग इंडिया से प्यार करते हैं और इंडिया के रहने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।